विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन हमीरपुर ने तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते सुजानपुर भोरंज के चुनाव अधिकारियों के लिए बचत भवन हमीरपुर में 3 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन जानकारी दी गई। कार्यशाला में डीसी मदन चौहान ने शिरकत करके महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करवाई। सभी बूथ स्तर के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करें, मतदाता सूचियों में किसी भी प्रकार की त्रुटियां ना हो। कार्यशाला में तहसीलदार निर्वाचन उपेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। डीसी हमीरपुर मदन चौहान ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी बूथों पर 100% मतदान हो, इसके लिए काम किए जाएं। साथ ही मतदाता सूचियों में त्रुटियों को भी समय पर सुधारा जाए ताकि मतदान प्रक्रिया में विलम्ब न पड़े। सभी को विदित है कि हमारे राज्य में जो है चुनाव अपेक्षित है कभी भी अब, और इसी कड़ी में हमने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो है बूथ लेवल ऑफिसर है उनको यहाँ पे आज ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। आज हमने प्रारंभ किया है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया है, भोरंज और सुजानपुर। इसके सभी BLOs और सुपरवाइजर साहिबान यहाँ पे हमने उनको ट्रेनिंग दिया है तहसीलदार साहब ने, और मैंने भी उनको यही सुझाव दिए हैं, उनसे अपेक्षा की है कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन इस बार करवाएंगे और किसी किस्म की इसमें गड़बड़ नहीं होने देंगे। इस वक्त जो मेन एम्फेसिस है जो उनको दिया गया है वो ये है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करने का कार्य लगातार चल रहा है, और मैंने ये सुझाव दिया है कि जो BLO इनमें से सबसे ज़्यादा वोटर को आज के बाद 30 तारीख तक अपने यहाँ पे ऐड करता है उसको हम उसको एक इनाम देंगे एक बड़े ओकेजन के ऊपर, ताकि एक ये मोटिवेशन फैक्टर जो है उनके लिए हो जाए। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी है। पोलिंग स्टेशन जो है वो उसको हमने ठीक से बनाना है, वहाँ पे जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो वहाँ पे होनी चाहिए, इसके बारे में इनको बताया है। सर हमीरपुर में से इलेक्शन कमीशन की टीम जो है हिमाचल को विजिट करने वाली है इसी हफ्ते के अंदर, और हो सकता है कि वो हमीरपुर ज़िले में भी आए, अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, पर हो सकता है कि वो हमीरपुर ज़िले में भी आए। तो वो मैंने BLOs को बता दिया है कि आपका वो किसी भी बूथ पे जा सकते हैं, तो वो बूथ जो है पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, उसके ऊपर बोर्ड लगा होना चाहिए, बोर्ड में कुछ चीज़ें लिखनी है वो हमने इनको बता दी है। और बाकी इस बार जैसे आप पहले भी पूछ रहे थे तो मैं भी अभी बता दूँ कि 50% जो है वो वेबकास्टिंग होनी है, 50% पोलिंग स्टेशन के लिए, ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है। अब आप समझते हैं कि वेबकास्टिंग जब होगी तो वो तो फिर यूट्यूब पे अपलोड करके कहीं भी इंटरनेट पर उसको देखा जा सकता है, और जैसे मैं BLOs को भी बता रहा था कि जो हमारे स्थानीय निवासी कहीं बाहर दूसरे देशों में रहते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है अपने लोगों को देखना, अपने देश की जो है वो एक्टिविटी क्या हो रही है, तो इस बार उस तरह से तैयारी हमने करनी है। और इसके अलावा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी 2-3 दिनों में हम 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी को और पूरा कवर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि हम मैक्सिमम वोटर को इसमें एनलिस्ट कर पाएंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके निवासियों को ये आग्रह भी करता हूँ कि आप सभी जो है अपने आप को रजिस्टर करें, जिन वोटर्स की आयु 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष हो चुकी है उनको रजिस्टर अपने आप को करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वेपन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है कि हम अपनी सरकार को चुनते हैं, और सरकार अपनी वही होती है जिसको पास करते हैं। तहसील निर्वाचन अधिकारी उपेंद्र शुक्ला ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पूरे जिला भर के BLO चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया बढ़िया से संपन्न करवाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार BLOs को ट्रेनिंग देना अनिवार्य किया गया है, तो आज हमने 36 भोरंज व 37 सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के जो BLOs और सुपरवाइजर्स थे उनको आज यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। उनको बताया गया कि आगामी चुनाव हेतु उन्होंने जो हमारा फोटो इलेक्ट्रोल है उसको किस तरह से दुरुस्त करना है। इसके अतिरिक्त जो भी तैयारियां पोलिंग के लिए, पोल डे के लिए की जानी है, पोलिंग जो हमारी पार्टीज होंगी उनका अरेंजमेंट किस तरह से करना है और किस तरह से उनको आर्ली रिपोर्ट देनी है, इन सभी बारे में उनको जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिला में पहली बार जो है VVPAT का हम यूज़ कर रहे हैं, हालांकि भोरंज बाई इलेक्शन में हमने VVPAT यूज़ किया है, परंतु अन्य जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें पहली बार VVPAT यूज़ हो रहा है, तो इसकी वाइड पब्लिसिटी के लिए भी इन लोगों से आह्वान किया गया कि BLOs डोर टू डोर जाके लोगों को VVPAT के बारे में बताएं कि किस तरह से वोट डालते ही एक जो पर्ची है वो स्क्रीन पे आएगी, और ये पर्ची जो है 7 सेकंड तक
स्क्रीनिंग पर रहेगी। तो ये सभी जानकारियाँ जो है हमने अपने BLOs को और सुपरवाइजर्स को दी हैं और हमारा ये मानना है कि वो चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये फैसला लिया है, जनरली ये होता है कि हम अपने जो BLOs हैं उनको बोलते हैं कि आप उनके खाने का इंतजाम हमारे BLOs करेंगे, परंतु जो जो खर्चा है वो पोलिंग पार्टी देगी। परंतु ऐसा देखने में आया कि कुछ लोग खाना खा के जो हैं वो खर्चा जो है वो नहीं दे के आते, तो इस संबंध में उनको बताया गया कि वो तुरंत जो है वो RO को इन्फॉर्म करें कि ये जो लोग हैं ये वहाँ पे पेमेंट नहीं करके आए हैं, तो इसके लिए हम तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सामान लेने से पहले ही उनसे पेमेंट वसूल करके कंसर्न जो BLO है उसको दिलवाएंगे।